हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ऋतु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आपका आज का टॉपिक है कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे। आज से एक महीने बाद, 15 दिन बाद या 6 महीने बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वहाँ पे भी कुछ टाइम में एक्टिव हो जाऊँगी एंड अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आपको अच्छे गाइडेंस ही मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंड अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग को बुक करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप भी करिए एंड कॉल ना करिए, ठीक है? कॉल से काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जैसे मैं फ्री होंगी वैसे मैं आपको मैसेज करूंगी। अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट, स्टॉर्म वार्मिंग, द टेंपल पाथ, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द वर्ल्ड, डोर टू रोमांस, यिन यांग एंड ऑल टाइट अप। सिचुएशन काफ़ी टाइट अप है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। सिचुएशन काफ़ी टाइट अप है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बातचीत हो ही नहीं रही है। हो रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर हो रही है। ठीक है, जैसा समझ में आया मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइड अप है, बातचीत ना के बराबर हो रही है। आपके पर्सन भी कुछ चीज़ों में स्टक है, आप भी काफ़ी सारी चीज़ों में स्टक हो। इस कनेक्शन में हलचल ना के बराबर दिख रही है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं। अब ये जो अटैचमेंट है ये थोड़ी डेविल की एनर्जी है। दिस अटैचमेंट इज लाइक अ डेविल एनर्जी विच द अटैचमेंट इज मोर ऑफ पैशन इंस्टेड ऑफ अफेक्शन। तो ये जो अटैचमेंट होता है ना, अगर आप ये देखो तो ये एक लेडी बंधी हुई है। तो ये जो एक लेडी है ये एक अटैचमेंट तो फील कर रही है आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे अफेक्शन की कमी हो रही है, ठीक है? तो ये अटैचमेंट पे उनको क्या हो रही है, उनको इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप ये देखें, फर्स्ट चक्र, जो फर्स्ट चक्र उनका मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र होता है, वो इम्बैलेंस्ड है। जब रूट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो रही है आपको लेके, क्योंकि मुझे लगता है अभी अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो उनको ऐसा लगता है कि आप चले जाओगे। देखिए यहाँ पे जो ये लेडी है,
ये आपसे प्यार बहुत करती है, इनको पता है इनको सिर्फ एक डिसीजन लेने की जरूरत है आपके पास आने के लिए, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कई पार्टीज इन्वॉल्व है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों कनेक्शन में आए, ये कनेक्शन में एक स्ट्रांग बॉन्ड बने। ठीक है, तो एक फाइट है, एक एक, एक किसी तरह का फाइट है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट आप अगर ये रीडिंग थोड़ी बहुत भी आपसे रेजोनेट कर रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या ऐसी सिचुएशन है, कौन ऐसे लोग हैं जो आप लोग को मिलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस कारण आपके पर्सन को एंजाइटी भी बहुत है, और इसी कारण से आपके पर्सन ने ना पास्ट में आपको रिजेक्ट भी किया है। किस तरह से रिजेक्ट किया होगा, हर एक की सिचुएशन अलग होंगी ना, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक देख पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये बता रहा है कि आप लग तो मुझे सोलमेट वाले बात सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, एंड आपको जो है आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही है, बहुत अच्छे से आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। जो ये एक जो सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो सिचुएशन में तकलीफें आई हैं, वो एक किसी ऐसे पावरफुल पर्सन की वजह से आई हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का कंप्लीशन हो, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सिचुएशन मुझे बहुत अटकी हुई लग रही है। डोर टू रोमांस, यिन यांग एनर्जी है, देखिए आप सोलमेट हो, डेफिनेटली यिन यांग एनर्जी है, आप सोलमेट हो, शिव शक्ति हो आप। डोर टू रोमांस, अरे आपके पर्सन जो है आपसे बहुत अलग लेवल का अटैचमेंट फील करते हैं। आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हो, आप मुझे लगता है शायद आप उनसे उस लेवल का अटैचमेंट ना फील करते हो जिस लेवल का अटैचमेंट आपके पर्सन आपसे फील करते हैं। ठीक है, लाइफ बहुत एक्सट्रीम लेवल का रोमांस वो आपसे फील करते हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी उन्होंने अपने दिल को ना, देखिए अभी उन्होंने अपने दिल को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ, अभी उन्होंने अपना दिल आपको एक्सप्रेस नहीं करा है, अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, अपने इमोशंस आपको बताए नहीं है, जिस लेवल का वो अटैचमेंट आपसे फील करते हैं वो भी उन्होंने आपको बताया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ अफेक्शन की एनर्जी यहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अफेक्शन की एनर्जी भी है, बहुत अफेक्शनेट हैं आपके पर्सन आपसे, लेकिन इस समय थोड़े से जो ये ओवर टाइट अप वाली सिचुएशन है इससे डरे हुए हैं। द टेम्पल पाथ क्लियरली बताता है कि वो आपके साथ सोल कनेक्शन, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। मे बी शायद आप उनको इस तरह के ट्रिगर्स देते होंगे कि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, या वो आपको देते होंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। उनको पता है आप दोनों जो हो एक दूसरे के एक सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता होगा, ये धरती के बाहर एक अलग दुनिया है, राइट। बहुत ज़्यादा तो मैं डीप में नहीं जा सकती और ना ही बता सकती हूँ आपको अभी, लेकिन जहाँ पे क्या होता है कि एक जो सोल होती है वो दो बॉडी में डिवाइड हो जाती है, एंड ये भूति मास्टर सोल्स ही हैं। ठीक है, होती मास्टर सोल सी है, आपको धरती पे आके अपने काम करने हैं, अपने कार्य करने हैं, अपने जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है। ठीक है, तो बस आप दोनों हो तो एक ही सोल, एक ही सोल, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, मास्टर सोल से मतलब आपने कई जन्म लिए हुए हैं इस धरती पे। यस, आपको कुछ यूनिवर्सल साइन मिलते होंगे, जैसे 22 नंबर दिख रहा है, 3322 आपको दिखते होंगे, 3322 की एनर्जीज आपको दिखती होंगे। 5 नंबर तीन बार आया है, 6-6 की एनर्जीज भी हैं, आपको कुछ नंबर्स दिखते होंगे, यूनिवर्सल साइन आपको मिलते होंगे, आपको लगता होगा हाँ ये मेरे पार्टनर ही हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। Prayers, perfection, impasse, balance, facade, passion. All right, मैं यहाँ से कुछ और कार्ड लेना चाहूंगी।
I'm so sorry. ठीक है, आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, मैं ये बता दूं। एनलाइटमेंट का कार्ड आपके पर्सन को पता है कि आप एनलाइटमेंट से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप एनलाइटमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आप एनलाइटमेंट से गुजर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी टाइड अप हो सकती है, लेकिन आगे जाके आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। अगर आप एनलाइटमेंट से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एंजल्स ब्लेस कर रही हैं, एंजल्स आपके साथ है 24/7। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि आपके पर्सन बहुत प्रेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन में बैलेंस आने के लिए। जैसे सिचुएशन टाइड अप है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि कनेक्शन में बैलेंस आए। जो एक इम्बैलेंस हो गया है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके पार्टनर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इस तरह से काम करें कि वो चीज़ों में परफेक्ट हो, लाइफ में आगे बढ़े। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है पास्ट में कि आप दोनों में सेपरेशन हो गया है या बातचीत नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके पर्सन ने फेथ रखा हुआ है, आपके पर्सन बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत पेशेंस से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन में कैसी भी वेव्स, ये सिचुएशन में कैसी भी परेशानी, ये सारी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके पर्सन में बता दो, आपके पर्सन एक मास्क पहने हुए हैं, आपके पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है और शायद ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन की वजह से उन्होंने कुछ मास्क पहने हुए, तो वो जब भी जो भी आपको बोलेंगे आंख बंद करके उनकी सारी बातों पे विश्वास नहीं करना है। क्योंकि जब इंसान मास्क पहनता है ना, तो वो इंसान हमेशा सच नहीं बोलता है। योर पर्सन इज वेयरिंग अ मास्क, रिमेंबर दिस थिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग। डू नॉट जज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड सम एक्शन। ओके, यस, लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड्स आर सेइंग। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मे बी ये हो सकता है, मे बी वट एवर द सिचुएशन इज, द प्रेजेंट सिचुएशन इज, यू फील कम्प्लीटली लॉस्ट, यू फील लाइक नथिंग कैन हैपन इन दिस कनेक्शन, बट यू हैव टू ट्रस्ट दिस जर्नी, यू हैव टू ट्रस्ट दिस लव। नो मैटर वट एवर सिचुएशन इज, इट्स गोन अ वर्क, इट्स डेफिनेटली गोन अ वर्क। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, योर पर्सन इज डेफिनेटली कम अगेन एंड आस्क यू फॉर अगेन रीबिल्डिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। Your person feel extremely passionate towards you, extreme passion. This is a confirmation from the previous card. It's a lot of attraction, lot of affection the person feels for you. Have faith, no matter whatever situation is, no matter with whatever things you are going on or wherever this connection is going on, you have to trust the process, you have to trust the divine. And this is what your person is also telling you, कि आपको इस connection में trust रखना है। You are the true soulmate. Yes, this is your soulmate. You are dealing with your soulmate. New love, a new person has stirred your romantic feeling. Here I want to tell you one thing. I think यही एक ही person की बात हो रही थी। New love is also with the same person, जिनके साथ आप connection में तो रहे हो, लेकिन आपने कभी जो love को ना फील नहीं किया है, लव को आपने इंजॉय नहीं किया है, मतलब आपको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा कनेक्शन था जो ना के बराबर था, और जिस कनेक्शन को आपने महसूस नहीं करा ढंग से, ये उस तरह का कनेक्शन था जिस कनेक्शन ने आपको पीस नहीं दिया। ये कनेक्शन पीसफुल है, लेकिन इस कनेक्शन ने आपको पीस नहीं दिया, वो पर्सन ने आपको कभी पीस नहीं दिया। तो डिवाइन आपको यही कह रही है, आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस इज अ शॉर्ट reading for you and I hope you really enjoy this reading. If you love my reading, then please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much, love you all.